उधर पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने मोगा बैंक कैश वैन लूटने वाले दो लुटेरों को 11.5 लाख रुपए समेत काबू किया है। वरिंदर सिंह ने बताया कि इन आरोपियों ने सबसे पहले बठिंडा में एक कार पिस्तौल के बल पर छीनी थी, जिसका इस्तेमाल मोगा कैश वैन लूटने में किया गया था। कुछ दिन पहले मोगा में बैंक कैश वैन लूटने की घटना को अंजाम देने वाले दो लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीआईजी वरिंदर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने पहले पिस्तौल के बल पर छीनी थी, जिसका इस्तेमाल आरोपियों ने मोगा कैश वैन को लूटने के लिए किया था। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरों ने कार को जला दिया था। उन्होंने बताया कि इस ग्रुप में 7 लोग थे, जिनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी 3 अभी फरार हैं। दो क्रिमिनल्स पकड़े हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले हुई मोगा में बैंक डकैती, जहां पर 60 लाख रुपया लूट लिया गया था और बैंक के गार्ड को गोली मार दी गई थी। उसके गैंग के दो क्रिमिनल्स मनप्रीत सिंह और लवप्रीत सिंह को पकड़ा है। इनके पास से 2 बत्ती बोर के पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस, 11.5 लाख रुपया नकदी और कुछ गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जैसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। और इन पकड़े गए जो क्रिमिनल्स हैं, एक पर 3 केस पहले दर्ज हैं, दूसरे के ऊपर 7 केस दर्ज हैं। डीआईजी वरिंदर सिंह ने बताया कि ये लोग पहले जैतू में कैश वैन लूट, जिसमें इन लोगों के हाथों 6.5 लाख रुपए लगे थे। इसके बाद इन लोगों ने मोगा कैश वैन लूटी थी। उन्होंने बताया कि लुटेरों ने लूट के पैसे से एक कार और जेवर खरीदे थे और चंडीगढ़ में एक फ्लैट भी किराए पर लिया हुआ था। पवन बंसल, ब्यूरो रिपोर्ट, बठिंडा।